अभी शायद 8 या 9 दिन बचे हैं इंस्टॉलेशन में, एंड हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए हैं काम करने के लिए। सुबह तो नहीं, खैर दोपहर हो गई है, एंड अंदर इसके अंदर काम चल रहा है। अभी हमने जूनियर के साथ भी मीटिंग कर ली और आज हम अपना फ्लैग होस्ट कर देंगे फाइनली। मुझे पर्सनली लगता है कि हमें कहीं और करना चाहिए और एंड में लेके आना चाहिए ना रितम, तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। स्पेस ऑक्युपाई सर, इसके ऊपर करेंगे ना इसके, तो तू फिर रखेगा कैसी चीजें? क्या मुझे पर्सनली लगता है बाहर जाएगी मेरे पर, तो मुझे बता दो खुद का बनाया हुआ पेपर मैशे का पूरा इतना बड़ा। इट्स वेरी टायरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, हैंडलिंग इंस्टॉलेशन प्लस द स्पेक्ट्रम डेकोर हैज बीन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ऑल्सो हमारे असाइनमेंट्स नहीं हो रहे। सो गाइस फ्लैग होस्टिंग के लिए हमने ये रस्सी बांध ली है वहाँ तक, ये हमारा ही ब्रिज है और यहाँ से हमने वहाँ तक अपने इंस्टॉलेशन तक रस्सी बांध दी है। और इस बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि लिटरली घर की शादी नहीं हो रही होती है, बहुत ही स्ट्रेस का माहौल। बस हम बात रहे हैं और फिर ये टीडी एकदम ऊपर ऐसे छा जाए। इंस्टॉलेशन पे वर्क कर रहे हैं, बहुत कंपटीशन है, हम कहीं ना कहीं से हर डिपार्टमेंट के एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, वो हमारे निकाल रहे हैं और हम मेन ग्रुप में फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो या दैट्स हाउ इट गोज। बस आज के लिए गाइस इतना ही होगा, आज हमने फ्लैग होस्ट वगैरह कर दिया, मैंने आपको वीडियोज़ वगैरह भी दिखा दी होंगी। सो अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं व्लॉग को और कल देखते हैं क्या होता है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज आज है महाशिवरात्रि एंड आज शायद 8th of March है एंड कुछ एक हफ्ते के अंदर बस हमारा स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो जाएगा। गाइज महाशिवरात्रि का हमने मथा वगैरह टेक लिया है और शिव जी को हमने सेट कर दिया आज, प्रसाद प्रसाद भी हमें मिल गया है। सो अब कॉलेज चलते हैं, देखते हैं कि शिव जी हमारी कितनी मदद करते हैं आज। आज है 8 मार्च, मैंने सुबह आपको बताया था कि 8 मार्च है और ये अपना थोड़ा सिस्टम चल रहा है आज का। दिव्या मेहंदी लगा रही है बोर्ड पे, अपने दो पिलर टाइप्स ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, है ना, हो गए ना ऑलमोस्ट तैयार, अभी बहुत करना है इस पर, कोई डिस्कशन वगैरह चल रही है और वो हमने को भी आप देख रहे हो पीछे थोड़ा डिप्रेस्ड है, बट हो जाएगा काम। और आप फैंटा हमने फाइनली हमने थर्माकोल ले लिया है, ठीक है, यहाँ से लिया हमने, एलाइड एजेंसीज वगैरह थे यहाँ पे कीर्ति नगर में और सही प्राइस पे मिल गया है ऑलमोस्ट। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि पैसे बचा लें तो टेम्पो के पीछे बैठ के चल जाते हैं, ठीक है। तो मैं और भव्या बैठ रहे हैं टेम्पो के पीछे, सूरज बैठ रहे हैं इनके साथ आगे और देखते हैं जरा कैसे पहुँचते हैं। ये वाला डालेगा अंदर वो ना। So guys, I don't know whether it's a good idea or not, कि आप एक टेम्पो के पीछे बंद होकर ट्रैवल कर रहे हो, बट हाँ काइंड ऑफ थोड़ा बहुत एडवेंचरस जरूर रहेंगे। yes, और हमें बहुत मजा तो नहीं यार, घुटन हो रही है फिलहाल, पर कोई बात नहीं, पूरा बंद हो चुके हैं, यहाँ भी टेम्पो है पीछे भी टेम्पो ही है, ठीक है। और अगर हम ये पलटा पलटा तो हम बस गए, हम खोल भी नहीं सकते इसको, खोल भी नहीं सकते, आगे से लॉक कर दिया उन्होंने, हम बस अपने थर्माकोल के ऊपर बैठे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं अब हम। सूरज हमें बेचने की प्लानिंग कर रहा है। हाँ सूरज आगे बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं कि कितने बेचेंगे दोनों जो पीछे बैठे हैं। देखो किसको भेजा है पकड़ने के लिए, हंसते चेहरिया का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, वो तो मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों ना डील करना होता है। बिल्कुल सही, यस अच्छा हो जाएगा अल्टीमेटली, नहीं भी होगा तो आई जस्ट वांट टू गेट इट ओवर विद। आज 8 मार्च को हमारे दो पिलर एकदम तैयार हो गए हैं, इस पे काफी लोगों ने काम किया है।
मस्त चल रहा भाई। तूने पहले बोला बस चल रहा है। मस्त। सो गाइस फाइनली आज हमारे टेंट की लाइट्स ऑन हो गई है और यहाँ पे आप स्नेहा भव्या और सूरज को देखेंगे जो काम कर रहे हैं थोड़ा लोगो वगैरह पे, लोगो वगैरह पे नहीं मतलब हमारे बैकग्राउंड वगैरह जो भी होगा। सो इसके बाद जरा और रितम पता नहीं बाहर से क्या कर रहा है। सो इसके बाद अब आज का दिन यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हमने अपना फ्लैग होस्ट कर दिया था जो नीचे आ गया थोड़ा सा, ठीक है, तो हम उसको अब आगे लगा रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मिलते हैं। कुछ स्पेक्ट्रम के बारे में बताओ।